अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज एक अहम टॉपिक और वो है कल्चर। पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से आज हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और उसमें देखना चाह रहे हैं कि हुकूमत के लेवल पर क्या हिकमत अमली बनाई गई है और किस तरीके से हमारी जो सकाफत है उसको प्रिजर्व करना, उसको आगे बेहतर बनाना, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ लाएंगे डॉक्टर जी जमाल साहब, जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर कल्चर हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि इस हवाले से वो हमें क्या बताना चाहते हैं और हमें क्या किस तरीके से अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो अक्सर हम कंपैरिजंस देखते हैं इंडिया के साथ पाकिस्तान का, और कुछ मामलों में हम थोड़ा सा पीछे हैं और वो देखना चाहते हैं कि क्यों पीछे हैं। इसका आज हम तजिया करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे और आप हमें इस हवाले से आपके जो कंसर्न हैं और आपके जो खदशात हैं वो ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी जो है वो भी इसमें खासा इन्वॉल्व होता है कि हमारी जो फिल्म्स हैं और हमारा जो कल्चर है उसमें क्या क्या स्टेक्स इन्वॉल्व है। तो आप हमें कॉल्स कीजिएगा, हमारे नंबर्स होंगे 9222925 और दूसरा नंबर होगा 9220458, और हमारा ई मेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.vk। इस पर आप हमें ई मेल्स भी कर सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि अगर टाइम मिला तो थोड़ी सी ईमेल्स भी जो हैं वो आपकी शामिल प्रोग्राम करेंगे, और उम्मीद है कि आपकी कॉल्स भी आएंगी, तो इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम की। ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और खबरों में मेरा साथ दे रही है समाज से महरूम अफराद के लिए हमारा सिलसिला है नसरीन आगाही साहिबा, और देखते हैं खबरों में सबसे पहले इस वक्त हमारी जो इम्पोर्टेंट तरीन खबरें हैं वो क्या हैं। सबसे पहली खबर, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अवामी नुमाइंदों से कहा है कि वह तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार तेज़ करें ताकि लोगों को उनकी दहलीज पर फायदा पहुंचाया जा सके। वो घोटकी में खालिदाबाद के मकाम पर अमायदीन और अवामी नुमाइंदों से बातें कर रहे थे। सदर ने कहा कि तेज रफ्तार तरक्की से तरजीही बुनियादों पर गुर्बत और बेरोजगारी से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निजी शोबे में सनतों के क्याम से इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। पोर्ट कासिम पर LPG गैस टर्मिनल का आज इफ्तिताह होगा, जिस पर $5 करोड़ खर्च हुए हैं। कराची में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंदरगाहों और जहाजरानी के वजीर बाबर खान गौरी ने कहा कि टर्मिनल में सालाना 20 लाख टन LPG तैयार होगी। अदालत उज़्मा की फुल कोर्ट में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील और रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरखास्त की मजीद समाअत आज दोबारा होगी। चौधरी एतजाज हसन ने वफाक और रेफरेंस भेजने वाली अथॉरिटी की तरफ से उठाए गए इब्तदाई एतराजात के जवाब में दलाइल दिए, उनके दलाइल आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इराक जंग के लिए $1.2 खरब की मंजूरी दी है। ऐवान ने बिल के हक में 280 वोट दिए जबकि मुखालफत में 140 वोट आए। बिल की मंजूरी से पहले व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर बुश ने कहा कि आइंदा दिनों के दौरान इराक में शदीद जंग मतवक़ो है। अमरीका के दोनों ऐवानों में डेमोक्रेट्स को अक्सरियत हासिल है, जो इराक से अमरीकी फौज के इनखला के हक में है। ईरान के सदर महमूद अहमदी नजाद ने कहा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम तैयारी के आखिरी मराहल में है। इस्फहान में एक जलसे से खिताब करते हुए ईरानी सदर ने एटमी प्रोग्राम पर मगरबी दबाव मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम के पास इस वक्त सनती एटमी टेक्नोलॉजी है और अब वो इस रास्ते से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर बुश ने कहा कि ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ मजीद सख्त की जाएंगी। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने गजा शहर में जंगजुओं से कहा है कि वह इसराइल पर रॉकेटों के हमले बंद कर दें। उन्होंने गजा शहर में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसराइल के जवाबी फजाई हमलों की मजम्मत की। उधर एक इसराइली तैयारे ने रात एक मिसाइल फायर किया जो फलस्तीनी वजीर आजम इस्माइल हनिया की रहायशगाह के करीब फटा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान 4 मैचों की क्रिकेट टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज लीड्स में शुरू हो रहा है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट आज से मीरपुर में शुरू हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई सूबा सरहद, बालाई पंजाब और कश्मीर में मौसम अब्र आलूद रहेगा और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है।
ناظرین یہ تھیں خبریں اور خبروں میں ہم نے دیکھا کہ جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیں۔ آج آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ جمعۃ المبارک افضل الایام مسلمانوں کی عید اور اسی حوالے سے جو ہمارا ایک سلسلہ ہے احادیث کا آج احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آج کی احادیث جو ہیں وہ تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عبادات میں سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلاوت قرآن کی مصروفیت کے پیش نظر اور کوئی دعا نہ مانگ سکے تو اللہ اسے وہ اجر دے گا جو شکر گزاروں کو زیادہ سے زیادہ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی جیسے لوہے کو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اس کا حل کیا ہے تو فرمایا تلاوت قرآن اور موت کی یاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دنیا میں تمہارے لیے دو واعظ اور ناصح چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک بولنے والا جبکہ دوسرا خاموش ہے۔ بولنے والا قرآن مجید اور خاموش موت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے قرب کا افضل ترین ذریعہ کیا ہے، تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت۔ میں نے عرض کیا کہ معنی سمجھنے کا اس میں کیا دخل ہے، تو فرمایا خواہ معنی سمجھتا ہو یا نہیں ثواب اور قرب ہر حال میں نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر منافق قرآن خواہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے گا وہ ان فقہی معارف سے محروم رہے گا جو قرآن میں موجود ہیں۔ پھر مزید فرمایا قرآن پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو تکلف کر کے رو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے پوچھا کہ تمام کاموں میں کون سا عمل افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت ذکر الہی سے زبان کا تر ہونا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ رات کے وقت نماز میں چپکے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستگی کی وجہ پوچھی تو عرض کیا جس کے حضور مناجات کر رہا ہوں وہ تو سنتا ہی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ چلا چلا کر پڑھ رہے تھے، ان سے اس کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں اچھا کرتے ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کو اچھی آواز سے آراستہ کرو۔ ناظرین یہ چند حدیث آپ کے سامنے پیش کی تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے، اور کوشش یہ کی گئی کہ ہم سب لوگ اس کے اوپر غور بھی کریں، عمل بھی کریں اور اس کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ احادیث سنی ہے ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، جزاک اللہ۔ اور اب ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور پروگرام کو آگے بڑھانا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج بات کر رہے ہیں کلچر کے حوالے سے، اور کلچر کی جب بات آتی ہے تو اس میں مختلف چیزیں ہماری جو ثقافت ہے اس کے حوالے سے سامنے آتی ہیں، اور آج ہم ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر جی جی جمال صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر فار کلچر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ؟ نائس ٹو سی یو ونس اگین، تھینک یو ویری مچ۔ اور لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے مارچ کے اینڈ میں تو اس وقت آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو خاصی اچھی آپ نے چیزیں بتائی تھیں کہ کن کن انیشیٹیوز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 1.5-2 ماہ میں مزید کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کل آپ یورو بانڈ کے چکر میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کلچر اور یہ یورو بانڈ یہ کیا ہو رہا ہے، مکس اپ ہو رہا ہے کچھ؟ نہیں جی نہیں، وہ ایکچولی فائنینس تو ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ تو سب محکمے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایکچولی میری اپنی کوئی کلچر کی میٹنگ تھی۔ اچھا جی جی جی، تو اس لحاظ میں وہ یورو بانڈ، اس میں وہ پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس آئی، تو ایکچولی آئی وینٹ ٹو اٹینڈ دیٹ کانفرنس وِد دیم۔ میں نے سوچا کہ وہ نہیں ہو سکتی، میبی نہیں، میں نے سوچا کہ شاید آپ جی، بالکل فائنینس از ناٹ مائی فیلڈ، بیکاز ایکچولی تو میرا پھر اپنا پرسنل فیلڈ
ह्यूमन मेडिसिन है जी जी, आई एम मेडिकल डॉक्टर। ठीक जी जी तो अच्छा अब जरा वापस आ जाते हैं, तो आज कल जो आपकी मीटिंग्स थी उनका कोई ताल्लुक इस हवाले से भी था कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में कुछ हिकमत अमली या इस तरह की? जी हाँ बिल्कुल, एक्चुअली हमारा ये नया हमने आपको जिस तरह मालूम होगा कई लोगों ने अब देख लिया है, उसकी इनॉग्रेशन अभी होने को है, इंशाल्लाह जल्दी होगी। हमारी जो नेशनल आर्ट गैलरी बिल्डिंग जो बन गई है, तो ये इस आई मस्ट से के प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब का उनके यहाँ सरा उन पे जाता है, बिकॉज 60 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने एक आर्ट गैलरी बनाई। दुनिया के हर मुल्क में जहाँ भी आप जाएं, और ख़ास तौर पे वो ममालिक जो कल्चरली रिच कंट्रीज़ हों, जिस तरह पाकिस्तान है, बिल्कुल बहुत सख्त पाकिस्तान, आपको जिस तरह सबको मालूम है कि कल्चरली बहुत ही रिच है, तारीख बहुत पुरानी है ना जी, बहुत पुरानी तारीख है, तो प्रिजर्व करने तो उसका उसकी हर उन ममालिक की आर्ट गैलरी होती है। और पाकिस्तान में अभी तक 60 साल हुए हैं बना हुआ है मुल्क, और आर्ट गैलरी नहीं थी, तो ये इसमें 14 गैलरीज हैं आर्ट्स की जो हम मुख्तलिफ उसमें तकसीम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये जी जो हमारे पार्लियामेंट हाउस है और प्रेसिडेंट हाउस है उसके सामने जहाँ ये परेड हुआ करती थी 23 मार्च की, इसके पीछे इसके साथ ही है, तो बहुत मेन एवेन्यू में है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, आई एम टॉकिंग ऑफ डेज और इन वीक्स, जी जी इट्स ऑलमोस्ट डन जी, टोटली इंशाल्लाह वो है। उसके साथ ही उसमें बहुत बड़ा हमारा हॉल भी है 500+ सीट्स का। अच्छा वेरी गुड, जो कि इस्लामाबाद में बहुत इवनिंग्स सोशली कल्चरल वाइज इसमें शक नहीं है कि खासा डेड सिटी है, तो वो उसमें इंशाल्लाह हमारा डिपार्टमेंट उसमें ख़ास तौर पे जो PNCA है नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स वो उसमें ज़रा रंग ले आएगा। ओपन टू पब्लिक? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, और नहीं जी ओपन टू पब्लिक, और दिन रात कोई मसला नहीं है? नहीं जी कोई नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ओपन टू पब्लिक दिन रात बिल्कुल, ऑफ कोर्स टिकट तो होगा क्योंकि ये चीजें तो किसी चीज पे तो चलेंगी ना, मजे नहीं आते हैं वैसे कहीं भी नहीं होता ना जी, प्लीज गवर्नमेंट का तो ये काम था कि ओके अपने गवर्नमेंट ने पैसे एलोकेट किए एंड इन मिलियंस और बना लिया, तो कैसे और बड़ी सेंट्रल जमीन पे बनाया, ऐसे कोई कोनो मोनो में भी नहीं बनाया, प्राइस प्रॉपर्टी पे बनाया गवर्नमेंट ने तो, और उसके साथ तो एक हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए अपना वो बना रहे हैं सेंटर, तो वो उसकी मंजूरी इस साल हमारे हमें मिल गई है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो यही है कि इसके साथ ही हम बना, उस सिलसिले में बातचीत चल रही है। एक ये चीज भी थी कि जिस सिलसिले में मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया था बातचीत के लिए, तो इस साल 50 मिलियन तो उसके लिए परफॉर्मिंग आर्ट के लिए उनका अपना सेंटर बनाने के लिए वो उनकी मंजूरी। ये जो आर्ट गैलरी जो आप बता रहे हैं विद इन डेज इंशाल्लाह इसको इंशाल्लाह जाएगा, इसमें क्या क्या होगा? मुख्तलिफ गैलरीज आप बता रहे हैं कि नथिंग एल्स जी बिल्कुल, हाँ हाँ आर्ट गैलरीज हैं, आर्ट गैलरीज में जी ऑफ कोर्स पेंटिंग्स हैं, कैलीग्राफी हुई, स्कल्पचर्स हुए, ये जो विजुअल आर्ट्स के जितने वो हैं वो सेंटर 14 गैलरीज हैं, तो उसमें हमने एक्चुअली इसके लिए तो हमने अपनी कमेटी बनाई और मेंबर्स जो हैं बेसिकली वेल नोन आर्टिस्ट्स और आर्ट फील्ड के लोग होंगे या हैं ऑलरेडी, जो वही चुन रहे हैं और वही कि भाई किस किस का आर्ट जो है एग्जिबिट होगा, और ये फॉरएवर इसी तरह रहेगा, कमिटी ही करेगी। हाँ ये वी हैव सो दैट अब तो वो उस गैलरीज में फिर हमने डिविजन्स की हैं, स्कल्पचर्स के लिए अपने दे दिए हैं, वो आर्टिस्ट जो अपकमिंग बडिंग आर्टिस्ट हो
आम होते हैं घरों में इधर उधर बेचारे, और उनको कहीं भी मौका नहीं मिलता अपना आर्ट शो करने का, तो उनके लिए हमने उनके लिए भी एग्जीबिशन की अपनी गैलरी रखी है ताकि उनको मौका दिया जाए। लाइक वाइज एक दो गैलरीज हमने फॉरेन आर्टिस्ट के लिए रखे हैं, एंड वो भी यहाँ पे आके अपनी एग्जीबिशंस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो सिलसिले में तकरीबन बहुत सारी एम्बेसीज और मुल्क ममालिक के साथ और वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी ऑलरेडी बात हुई हुई है और सब इंतजार में है और सब इंटरेस्ट सब ने शो किया है, तो वो अपना एग्जीबिशन कर सकते हैं इसी तरह। तो इसमें और इसी में जी सॉरी वो भी हैं वर्कशॉप वगैरह भी हैं, और जो पुरानी पेंटिंग्स जो खराब हुई हुई हैं तो उनके कंजर्वेशन और उनकी वो जो ठीक करने का जो सिस्टम है वो भी है। You know, every field of this thing. इसमें जो पेंटिंग्स वगैरह होनी चाहिए, पेंटिंग्स वगैरह होंगी या जो बाकी चीजें होंगी स्कल्पचर्स वगैरह सारे लोकल हमारे लोगों के। हाँ जी, फिलहाल तो लोकल्स के हैं। जी हाँ, बाहर से भी लाने का इरादा है? तो बाहर से तो मैंने आपसे कहा कि उनके अपने गैलरी में वो तो जो आर्टिस्ट लाएगा तो जारी बात है, जो अगर वो बेच रहा है तो वो बेच देगा, ठीक। जो अगर नहीं बेच रहा और अपना ले जाएगा वापस तो वापस अपने साथ ले जाएगा, नहीं नहीं वो तो हम नहीं रखेंगे, वो तो उसकी मलकियत है जी। ठीक ठीक। अब इनमें भी जो लोकल में भी हैं, ये तो ज्यादातर जी कई पेंटिंग्स जो है वो लोकल्स के पेंटर्स की अपनी आर्टिस्ट की अपनी मलकियत है। हमारे पास बड़े बड़े हमारे पास अभी है तकरीबन 2500 तक हमारे पास आए हैं आइटम्स, हाँ, तो ऑफ गुड स्टैंडर्ड क्वालिटी। चले तो वो तो आर्टिस्ट खुद मालिक होता है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम कल्चर के हवाले से और आर्ट गैलरी की बात हो रही है, तो आपकी कॉल्स की भी जरूरत है, आप कॉल्स हमें करें और देखते हैं पहले कॉल हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, गुजारिश ये जी अपना तारुफ करवाइएगा पहले। मेरा नाम गुलाम सज्जाद है जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मियांवाली से जी। फरमाइएगा। अपने टीवी की आवाज आप आखिर में दुआ फरमाते हैं ना जी। जी जी, ये आप टीवी की आवाज जरा कम कर दें। बंद कर दिए जी। बड़ी मेहरबानी। वो जो आप आखिर में दुआ फरमाते हैं ना जी उर्दू में, जी जी, वही जरा दोबारा रिपीट कर दें आराम से ताकि हम लिख लें। ये उसी वक्त में जब मैं बोलूंगा तो फिर आप लिख लीजिएगा। इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, तो ये उसी वक्त मैं पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा देखो ना जी, अगर आखिर में पढ़ना तो पढ़ना जरा आराम से। अच्छा चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। लिख लेना जी। चले मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपकी जिंदगी दराज करे। आमीन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक और कॉलर से हम बात करने की कोशिश करते हैं और दुआओं का सिलसिला तो हम चलते ही रहता है। और नेक्स्ट कॉलर से जरा बात करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि दुआ जो है ये तकदीर भी बदल दिया करती है, तो इसलिए दुआ जरूर किया करें, और पाकिस्तान के लिए खास तौर पे, और वो लोग के जो सऊदी अरब में और दूसरी जगहों पे मौजूद हैं बाहर खास तौर पे, वो जरूर दुआ किया करें पाकिस्तान के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा? वो कहाँ से? जी मोहम्मद अली साहब, जोराबाद से। फरमाइएगा क्या कहेंगे जी। ये मेरा ये सवाल है कि हुकूमत ने कल्चर के हवाले से हमारे इलाके में तो कोई इकदाम नहीं किए और यहाँ कोई आर्ट गैलरी भी नहीं है। ठीक है, जोहराबाद आर्टिस्ट तो हैं लेकिन कोई आर्ट गैलरी नहीं है जिसकी वजह से नौजवानों का टैलेंट गायब हो रहा है। चलें, थैंक यू वेरी मच। पूछ लेते हैं जी, जोहराबाद में आर्टिस्ट फिर रहे हैं और आपने उनको टैप नहीं किया? बिल्कुल। टू बिगिन विद जी, मैंने भी आपसे कहा कि पहली आर्ट गैलरी तो इस गवर्नमेंट ने यहाँ इस्लामाबाद में बनाई है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल हर जगह अपने अपने इनके बने। एक्चुअली इसी चीज इसी सिलसिले में बेसिकली आर्ट और ये काम जो है ये तो फेडरल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे नहीं हो सकता, इसी चीज के लिए लोकल बॉडीज बनी हुई हैं, और ये बेसिकली लोकल बॉडीज लोकल गवर्नमेंट वालों का काम होता है कि वो अपने इलाके का यूनियन काउंसिल लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल तक कि वो खुद करें। वो तो नहीं करते हैं जनाब, वो भी गवर्नमेंट है ना, तो उसी का उससे ऊपर आ जाए तो प्रोविंशियल असेंबली आ जाती है, उससे ऊपर आ जाए तो नेशनल असेंबली आती है, तो ये लेवल तो एक्चुअली उन्हीं का है, ये उनका काम है कि वो ये करें। आई एम श्योर के अब ये अनफॉर्चुनेटली जब हम छोटे हुआ करते थे, आपको भी शायद याद हो जी, कि कई हर जिले
میں میلے اور یہ چیزیں ہوا کرتے تھے, اس قسم کے آرٹ کلچرل شوز وغیرہ ہر ضلعے کا اپنا پرمننٹلی ہوتا تھا, جو انفارچونیٹلی وہ بھی ختم ہو گئے ہیں یا بہت تھوڑے رہ گئے ہیں ان میں جو کر رہے ہیں. تو یہ تو کم از کم وہ چیز تو ضلعے والے جو ہیں یا لوکل باڈیز والے جو ہیں وہ تو ریوائیو کریں اس کو. یہ آپ نے ان کو کہا ہے؟ جی ہاں بالکل, آف کورس آف کورس, کیونکہ وہ تو ہمارے جب ان کے تو مسائل ہی کچھ ہو رہے ہیں, ان کا مسائل کلچر نہیں ہے. آئی نو, اب وہ کسی ان کے تو مسائل کچھ ہو رہے ہیں. یہ ایکچولی ایک تو سسٹم بھی نیا ہے اور نیا سسٹم ہے, وہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کو بھی ٹائم لے گا کہ ٹو ریئلائز کہ یار ہمیں اپنے علاقے میں بیسیکلی کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ بہت کم ہوئی ہے ملک میں, اور خاص طور پہ پیریفریز ایریاز میں تو بالکل ہی بالکل تقریباً نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پرائیورٹیز ڈفرینٹ رہے ہیں گورنمنٹ پالیسی وائز پچھلے کئی کئی سالوں سے. پرائیورٹیز مینلی ہماری پرائیورٹیز ہیز بین ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی, تو ان چیزوں کی طرف نیشنلی گورنمنٹ نے تو ایسا توجہ نہیں دی. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ کلچر جو ہوتا ہے جی, یہ حکومت کا نہیں ہوتا, یہ ذرا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, کلچر لوگوں کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, تو یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ عوام کا کام ہے کہ کریں, کیونکہ کلچر عوام کا ہوتا ہے, کلچر اس کا نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں یہ لوگوں کو چونکہ وہ ڈیولپمنٹ کی چیزیں کی زیادہ ضرورت ہے, تو نیچرلی ہیومن نیچر ہے کہ لوگ پہلے ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, تو اس لیے وہ لوکل گورنمنٹ والے یا لوکل باڈیز والے ڈیولپمنٹ کاموں کی طرف اور ان کی طرف زیادہ ان کا آج کل رجحان ہے. لیکن انشاءاللہ وتھ ٹائم آئی ایم شیور جب یہ چیزیں ان کی ذرا بیسک ریکوائرمنٹس بیسک نیڈز ڈیولپمنٹ کی انفراسٹرکچر وائز کمپلیٹ ہو جائیں, تو آئی ایم شیور کہ فیز ٹو میں وہ اس قسم کی چیزوں کی طرف جائیں. بالکل کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے پاس بے شمار ٹیلنٹ ہے جو ہماری گلیوں میں سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں اور پھر رہا ہے, اور اس کو ٹیپ نہیں کیا جا رہا, لیکن انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کیا جائے گا. کالر کا سلسلہ جاری ہے. یہ جوہرآباد صاحب کے جو ابھی فون آئے تھے صاحب نے, ادھر ہمارے آپ اسی ہماری آرٹ گیلری جو ہے اور پی این سی اے وہ آ جائیں, ہمارے پی این سی اے کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ سٹاف ہے, اور وہ اپنا وہ دکھا دیں تو انشاءاللہ اچھے ہوں گے. بالکل, پہلے جوہرآباد کے لیے ایک اوپن آفر آئی ہے, آپ آئیے اور آ کے تو آرٹ گیلری کو بھی کانٹیکٹ کیجیے, ایون منسٹری کو بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک اور کال سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ میرا نام احسان حبیب ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. احسان صاحب اسلام آباد سے فرمائیے گا جی. میرے جی دو سوال ہیں, ایک تو یہ سوال ہے کہ جی یہ جو گیلری یہ لوگ بنا رہے ہیں جی, اس میں جو یہ آرٹ اور جو بھی ویژول آرٹ یہ دکھائیں گے ہمیں, اس میں ہمارا کلچر جو ہوگا کیا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک انسٹرکشن ہیں کہ اپنے کلچر کو, آپ جانتے ہیں نا کہ مغربی دنیا میں جس قسم کا آرٹ پیش کیا جاتا ہے وہ, میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب کا سب جو ہے خراب ہوگا, لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں دکھا سکتے. چلیں, آپ کا کنسرن یہ ہے کہ لوکل کلچر ہوگا یا باہر کا کلچر؟ اور ایک کوشچن اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک افواہ اڑی تھی کہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے کالجز کو ایک خط لکھا ہے کہ ہمیں ایف اے ایف ایس سی بی اے بی ایس سی کے لیول کے اسٹوڈینٹس میل اور فیمیل چاہیے, لیکن جو طالبات ہوں وہ دوپٹہ نہ لیتی ہوں اور جینز اور پینٹ میں ہوں, کیونکہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو ذرا اچھا امپریشن ملے. کیا یہ خبر ٹھیک ہے یا ویسے یہ افواہ ہے؟ چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دونوں چیزوں کا بات پوچھتے ہیں, کلچر کے بارے میں آپ نے پوچھا اور دوپٹے اور جینز کی بھی بات کی. دوسرے کالر کو بھی ذرا ساتھ بلینڈ کرتے ہیں, دونوں کا جواب اکٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صاحب جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ میں ولی محمد بول رہا ہوں فیصلہ باد سے. جی ولی محمد صاحب فرمائیے گا. فیصلہ باد سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو آج لباس پہنا ہے, جو منسٹر صاحب نے پہنا ہے, بہت اچھا ملوب رہا ہے, کیونکہ ہمارا یہ کلچر ہے, ہماری یہ عادت رہن سہن کا طریقہ ہے, ہمارے ملک کا ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کوا چلا ہنس کی چال, وہ اپنی بھی بھول گیا. تو مہربانی فرما کر آپ جب بات کرتے ہیں بیچ میں انگلش نہ ڈالا کریں, ہمارا اردو میں اردو بولے, پنجابی بولے, جو زبان ہے ملک کی وہ بولے, انگریزی کے بہت سے لفظوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے سر. چلیں تھینک یو ویری مچ, بہت مشکل ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کلچر کے حوالے سے اپنے اسلامی جو نظریات ہیں نا اس کو پیش رکھیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اسلام کو تو ہم نکال ہی نہیں سکتے, جہاں تک لباس کا تعلق ہے تو لباس بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا کلچر ہے اس کے مطابق پہنے, لیکن
اس میں ایک چیز جو زیادہ امپورٹنٹ ہے ولی محمد صاحب وہ میں بتاتا چلوں کہ لباس کوئی بھی ہو لباس کے اندر جو ہے نا وہ اسلام اور پاکستان ضرور ہونا چاہیے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے باہر اگر کچھ آپ کو اور چیزیں نظر آتی بھی ہیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن اندر اور یہ جو دماغ ہے اور دل ہے یہ اس کا تعلق جو ہے یہ ادھر سعودی عرب کے اندر دو تین جگہیں ادھر ہونا چاہیے اور اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے کپڑے ٹھیک ہے ایک ظاہری شناخت آپ کی ہوتی ہے لیکن آپ کا اصل جو دل ہے وہ کہاں پہ ہے اور کہاں سے دھڑکتا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے اور جہاں پہ دوسری جو بات آپ نے کہی ہے کلچر کے حوالے سے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ اپنے ہی کلچر جو اس کو اڈاپٹ بھی کریں اور اس کو پروموٹ بھی کریں پہلا جو کوشچن تھا احسان صاحب نے کیا اسلام آباد سے انہوں نے کہا جی کہ آپ آرٹ گیلری میں اپنے کلچر کو دکھائیں گے جی میں نے تو جس طرح آپ سے کہا کہ اس کی جو کمیٹی ہے اور ان کمیٹی کو باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جو میجورٹی تو ہمارے اپنے آرٹسٹ کے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارا اپنا آرٹسٹ جو ایک چیز دکھائے گا تو اپنے ہمارے لوکل کلچر کے مطابق کی چیز دکھائے گا اور ویسے اگر کوئی وہ ہو کوئی غلط چیز ہو وہ یا تو کہ جو ہمارے اس کے ساتھ ہم نہیں شو کر سکتے نہیں نہیں ایسا وہ تو ہمارے کلچر میں نہیں ہے تو ہاؤ کین وی وہ کیسے دکھائے گا جو انہوں نے کہا کہ لیٹر لکھا گیا لیٹر لکھا ہے نہیں جی ایک تو ہاں جی اچھا مجھے اس لیٹر کے بارے میں نہیں معلوم ہے سچ لیکن ڈیفینیٹلی پی این سی اے جو ہے نیشنل کاؤنسل آف آرٹس یہ تو آرٹسٹ کے پروموشن اور ان کے لیے تو اپنا وہ کرتے ہیں یہ پرفارمنگ آرٹ کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ کیونکہ یہ جب ہم نے یہ میٹنگ اس کے بارے میں کی تھی تو خاصا عرصہ ہوا اس بات کو تو نہیں نہیں ناٹ ایٹ آل ایسا کوئی نہیں ہے کہ دوپٹہ اتارو اور جینس پہنو نہیں جی ناٹ ایٹ آل ہمارے پاس جو آج کل ہیں پی این سی اے میں جو ہیں میں نے آج تک ان میں سے کسی کو جینس وغیرہ میں نہیں دیکھا تو آئی ڈونٹ نو یہ ایسی اور یہ میرا خیال ہے کہ ایسی کسی نے جی ایسی کوئی غلامانہ حرکت ہم افورڈ بھی نہیں کر رہے جی نہیں جی نہیں ہماری قوم جو ہے بڑی نہیں جی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ہم عوام سے ہی لوگوں سے ہی وہ لے رہے ہیں اگر یہ پروموشن کر رہے ہیں تو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ اتنا رچ آپ نے خود کہا کہ ہمیں باہر کی طرف دیکھنے کی ضرورت دیکھ لیجیے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اچھا ایک چیز جو میں ہاں یہ ہے ہمارے کلچر میں ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے کلچر میں کئی لوگ ہیں وہ دوپٹہ صرف پہنتے ہیں کئی ہیں جو برقع پہنتے ہیں کئی ہیں جو اور یہ سب تسلیم شدہ چیزیں ہیں یہ تو یہی اس کا رچ نیچرنس تو ہمارے کلچر کا یہی ہے کہ بہت ڈائیورس کلچر ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جس طرح ابھی آپ ہمیشہ جب بھی آپ آتے ہیں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اب لباس پہنا ہوا ہوتا ہے تو اب اس سے بڑی اور کیا کلچر کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے تو بس یہ میرا اپنا لباس ہے جی علاقے کا لباس ہے and we are proud of it اور میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ہے ہر لحاظ سے آپ کسی بھی صوبے میں چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ہمارا اپنا لباس اپنی زبان اپنا سب کچھ اور اس پہ ہمیں کبھی بھی معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ بیکورڈ ہیں یا ہمارا جو لباس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس پہ جس طرح میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ہمیں پرائیڈ لینا چاہیے اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ویسٹ کیا کر رہا ہے یا ویسٹ کیا سوچتا ہے سوچنے دیں ان کو جو بھی سوچتے ہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ہم کرتے چلے جائیں گے نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جناب الحمد للہ جی کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں جی میں عمران بول رہا تھا بہت دن ہو گئے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا آپ سے کال کرنا تھا آج موضوع تو کچھ اور ہے جناب حکم میرا بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کے بارے میں ہے جی فرمائیے گا تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشرف صاحب جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی نئے جو آدمی ہیں سب سیاست میں یہ تقریباً 20 سال میں بھی یہ نہیں کر سکتے ان کے ابھی جو بکٹی صاحب کا کام تھا کہ اتنا اچھا انہوں نے کیا یہ تقریباً اگر نئی مشرف صاحب کرتے تقریباً ہمیں 20 سال بعد یہ اتنا نقصان ہوتا کہ بہت زیادہ چلیں عمران صاحب تھینک یو ویری مچ سعودی عرب میں آپ ہیں میں ہمیشہ سعودی عرب کے لوگ جو ہیں ان کو کہا کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں وہاں پہ جا کے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ پاکستان کو جو بھی ابھی مشکلات ہم فیس کرتے ہیں کسی بھی لیول پہ ان سے ہمیں دور رکھے اور ہمیں ترقی کرتا ہوا ایک ملک بنائے تھینک یو ویری مچ فار یور کال جی بہت شکریہ عمران صاحب نے سعودی عرب سے کال کیا اور بتایا کہ صدر مشرف کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے اور صدر مشرف کا اپنا ایک حلقہ ہے موجود ہے جو کہ پوری دنیا میں خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز میں خاصی بڑی تعداد جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کی سپورٹر ہے اور ایک اور کالر سے ذرا بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم جی ہلو ہلو السلام علیکم جی
हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी फरमाइएगा, क्या कहेंगे जनाब? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है कि आपका कुछ गड़बड़ है टेलीफोन में, तो हम नेक्स्ट कॉलर देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से जी? जी मैं गौहर इमरान बात कर रहा हूँ, वजीराबाद से। गौहर साहब वजीराबाद से, फरमाइए जी। जी ये है मेरी मनीषा साहब से। जनाब आपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। जी क्यों कर दी मैंने जनाब? जी अर्ज ये है कि हम लोगों के ये जिला गुजरांवाला में अक्सर थिएटर्स, यहाँ पे 8-10 थिएटर्स हैं जो कि इनके मिनिस्ट्रीज में आते हैं, तो उनमें 100-200 रुपए टिकट दे के हम लोगों की जो यंग जनरेशन है वहाँ पे बिल्कुल फहाशा और नंगे डांस और हरकतें और झुकते और ऐसे मजाक जो होते हैं जो हमारे कल्चर को और हमारी नई जनरेशन को तबाह कर रहे हैं, प्लीज उनके बारे में ऐसी कोई हिकमत अमली जो गवर्नमेंट करना चाहे या करे, और ऐसे स्क्रिप्ट हो जो जो वहां पे इंट्रोड्यूस हो जिनको पास किया जाए, जहाँ हम लोगों के कल्चर में हम लोगों की जो नई जनरेशन है वो ऐसे कुछ हरकत ना देखे कि उनकी जो उनके माइंड है वो खराब ना हो, बात बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल हम अपनी सिटी में रह के और वक्त के मजे जो है ना 100-200 रुपए में स्टेज ड्रामे में जाके ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच गौर साहब, ने बड़े इंपॉर्टेंट एक मसले की तरफ इशारा किया है और इसको मैं पूछूंगा, लेकिन एक कॉलर को साथ ब्लेंड कर लेते हैं और फिर 3-4 चीजें इकट्ठी में मिनिस्टर साहब से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब और कहां से जनाब? मेरा नाम इरफान है जी, मैं शुमाली वजीरिस्तान से बात कर रहा हूँ। इरफान साहब शुमाली वजीरिस्तान से, फरमाइएगा जी। मैं और डॉक्टर साहब का ताल्लुक एक ही कबीले से। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं पहले तो डॉक्टर साहब को कहूंगा जी कला टीवी था मिश्रे भी नहीं जो हमारे इलाके में जो ट्रेजेडी हुई है अभी जी। इसको आर्ट में जी यहाँ पे आपको बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पे इसको आर्ट में पेंट किया गया है, और आर्ट आर्ट होता है जी, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, तो उसके लिए भी ये कुछ करेंगे दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब उन्हें आवाज़ी हक हो इमिज दाई करना जी, इमिज दाई इलाके ना रगला ये हाँ हाँ इमिज दाई पर आप हो सके। ओ दा चलें ये पश्तो में ही जवाब फिर ले लें आप। थैंक यू जी। ओके जी जी पश्तो में ही बता देंगे उनको। थैंक यू वेरी मच। ये आखिर में जी ट्रेजेडी कौन सी वाली, ये जो वजीरिस्तान में कुछ ये जो हो रहे हैं वो बिल्कुल हम आर्ट में डिपिक्ट जी जी, मैंने तो इसको हम नहीं देखा ना, मुझे किसी ने कहा है इस आर्ट के इस ट्रेजेडी के बारे में कि आर्ट में किया है, और अगर किसी ने लोकली किया है तो वो इनको फिर पता होगा कि अब उधर तमालू भी चुछवा खड़े थे वो का दी के दी सिलसिले के का, अगर इनको मालूम हो कि जिससे पब्लिक का या किसी का फीलिंग्स हर्ट हो रही हो तो वो आप मुझे ये बता दें उसके बारे में, तो हम गवर्नर के से ये बात कर लेंगे, क्योंकि वो अलहदा उनका अपना सरकारी तौर पे सेटअप है। बिल्कुल ठीक। तो उसमें आप डायरेक्ट जी तो उनको हम कह देंगे ये ठीक। दूसरे जो कॉलर्स थे वजीरिस्तान वाले जो कह रहे थे थिएटर के बारे में, गुजरांवाला से मैंने तो नहीं देखा जी, अलबत्ता सुना पढ़ा तो है, अखबारों में भी पढ़ते रहे हैं और सुनते भी बहुत रहे हैं। ये थिएटर जो है ये हमने कहा भी, असेंबली में भी ये बात आई उठी थी और असेंबली में भी हमने ये बात मेंबर से कही थी, थिएटर्स जो हैं ये हमारे अंडर नहीं है। थिएटर्स बेसिकली जो लॉ है वो हो, पहले जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था उसको DCO कहते हैं या लोकल मैजिस्ट्रेट वगैरह, ये उनके तहत है, वो इनको परमिट देते हैं। ये जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, हमने इनको कहा भी यही है, जो रिसेंटली भी तक महीना कुछ हो रहा है हमने कंप्लेंट्स आई थी, हमने फिर हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा कि अपने अपने जिलों में ये कह दें कि प्लीज स्क्रिप्ट पहले देखा करें और उसके बाद उसकी इजाज़त दिया करें, और इसी
इसी तरह कि अगर वो स्क्रिप्ट के खिलाफ कोई दिखा रहा हो तो फिर ये पावर जो मजिस्ट्रेट पावर है या पुलिस पावर है या पुलिस पावर है वो तो उसके पास है ना, तो वो ही यूज करेगा। शायद इसीलिए इस ये पुराने कानून में उनके नीचे होता था, तो इसके साथ हमारा वो ताल्लुक नहीं है। अलबत्त जिस तरह इन्होंने कहा है कि इस तरह वजीराबाद में और गुजरांवाला में दिखाए जा रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आज ही उनको कहता हूँ कि भाई पॉलिसी है ना जी, मैंने आपसे कहा है ना ये पॉलिसी है और हमने इस पॉलिसी में इनको बाकायदा कहा हुआ है इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि आप बराए मेहरबानी किसी को भी इजाजत मत दें कोई स्टेज का वो कराने का जब तक स्क्रिप्ट वो ना पूरा उन्होंने पढ़ाओ और वो स्क्रिप्ट फिर उसकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नेचुरली स्क्रिप्ट के मुताबिक ही होना चाहिए और अगर ना नहीं है तो उसको फाइन एक्शन व्हाटएवर जो है और खासे उसके फाइन्स हैं भी तो वो लगाए जाए उसको बैन कर दिया जाए उस वो क्या कहते हैं वो उसको जो भी ग्रुप है वगैरह। तो ये कई ये इनका वो है ये वो करें, लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे तो अपने वो जिले में उनको कहें टू बिगिन विद आजकल वो हैं इनके अपने हर जिले के अपने नाजिम वगैरह हैं उनको कहें क्योंकि डीसी वगैरह और उनके साथ तो इनका दिन रात वो होता है कनेक्शन है तो उनको कहें कि वो। लेकिन हमें तो कुछ ये भी इत्तला मिली थी, हमें तो ये भी इत्तला मिली कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं मुख्तलिफ उनके मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं वो इन लोगों के साथ मिले हुए होते हैं, उनको जाके पैसे लगाते हैं जाके और वो जी। अब देखें ये तो अनफॉर्चुनेटली कि ये भी एक अब आस्था अगर हमारे कल्चर का ऐसा बन गया हमारे लोगों का इस टाइप का माहौल होने का यही हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस चीज से जरा निकलें और आस्था सही बात चले सही रास्ते पे आ जाए। कॉलर्स का सिलसिला जारी है, सही रास्ते पे तो पता नहीं हम कब आएंगे लेकिन यह है कि हम आना चाहिए और इंशाल्लाह इस तरह के जो मामला थे उनको जरा टेकअप करना चाहिए। एक नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा कहां से जी? अच्छा वाह जी वाह, और अगले साहब फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, मैं जी जमाल से जो मिनिस्टर है जी वो से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ जनाब। हाँ जनाब, क्वेश्चन करें जनाब आप करें जी। जो जी जमाल साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो केबल पर जो पठा जो पश्तो वाला जो ड्रामे चल रहे हैं उसमें कनेक्शन को की सिवा और कोई नहीं है। अच्छा, जब बच्चे देख रहे हैं सारे लोग दिमाग पर, अगर आपको इजाजत है मैं परसों से ये बात मनुष्य से सवाल करना चाहता हूँ जी। वो सुन रहे हैं 100 मिनट नहीं चलेगी जना पकेबलो वाली जी। गुलाम अहमद साहब आओ जी, 100 मिनट नहीं पकेबलो वाली चलेगी आओ ڈیر خراب بخیر فخر پکی گنا جی صاحب مطلب بالکل دکشن چلے ٹھیک ہے منسٹر صاحب نے آپ کا کوشچن لے لیا، تھینک یو ویری مچ، اور دیکھتے ہیں اس کے اوپر وہ کیا ریسپونڈ کرتے ہیں اور ایک اور کالر کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے اور دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ شاہنواز جی امریکہ سے جی۔ کس جگہ سے جی؟ امریکہ سے، کیلیفورنیا۔ کیلیفورنیا سے، فرمائیے گا شاہنواز صاحب۔ جی میں مشرف صاحب کے اس کی وجہ سے بات کر رہا ہوں جناب۔ جی مشرف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں بہت فخر ہے اپنے ملک پر اور مشرف صاحب پر، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں جو بھی مخالف اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں اور سارے پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ کتنے خوش اخلاق اور کتنے وہ علم بردار لوگ ہیں، اور مشرف صاحب سے ہمیں دلی دعا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پاکستان کا صدر رکھے۔ چلیں تھینک یو ویری مچ شاہنواز صاحب، آپ نے کیلیفورنیا سے کال کیا، مشرف صاحب کے بارے میں آپ نے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے اور اکزئی صاحب نے جو جی ہاں، اکزئی صاحب نے دو باتیں کی، ایک انہوں نے
कल मिनिस्ट्री के हवाले से कहा कि जो केबल में फिल्में ये वगैरह दिखाते हैं केबल ऑपरेटर्स, प्रॉब्ली वो ये उनकी बात कर रहे हैं जो केबल ऑपरेटर्स अपना प्राइवेट वो भी दिखाते हैं एक दो चैनल्स, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ क्लाशनकोफ कल्चर और किडनैपिंग और ये अच्छा इस टाइप की फिल्में सिर्फ दिखाते हैं जो कि आने वाले हमारे जो जनरेशन हैं छोटे हैं उन पर बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये केबल ऑपरेटर्स एक तो ये जिन इलाके में हैं तो इनका अपना केबल ऑपरेटर है, इनको चाहिए कि वो केबल ऑपरेटर को खुद कहें इलाके के नहीं हैं तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहें कि भाई इसका चेकिंग करें, अगर ट्राइबल एरिया है तो पीएस पॉलिटिकल एजेंट से कहें या सेटल एरिया है तो पुलिस वालों को कहें। एक दूसरा जी ये है कि ये मिनिस्ट्री के नीचे नहीं आता, ये तो केबल्स वगैरह पैमरा और उनके नीचे इंफॉर्मेशन के नीचे आता है, ये तो हमारे साथ और पैमरा के नीचे है तो ये हमारे साथ इनका ताल्लुक, लेकिन इसकी शिकायत नहीं है, पहुंचती रहती है इसकी शिकायतें इसी तरह हम सुनते तो हम उनको फिर बता देते हैं पैमरा वालों को कि भाई यहाँ से ये कंप्लेन आई है। दूसरा तीसरा वो जी अपने हमारे आने वाले इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं खुद और एजेंसी का हूँ और हंगू जो उस जहाँ हमारा हेडक्वार्टर है और एजेंसी का, तो वो आने वाले इलेक्शन में कह रहे थे कि हमने सुना है कि आप अंगू के मैं अंगू से खड़ा हो रहा हूँ तो मैं वो औरंगजई क्यों छोड़ रहा हूँ, जनाब औरंगजई मैं हूँ और रहूँगा और उसको ना मैं छोड़ूंगा ना छोड़ सकता हूँ। वो तो अगर एक शख्स है अगर इलाकों में जब मुख्तलिफ इलाकों में लोग कई जगह से खड़े हो सकते हैं तो वो अपने आप को है, और इसी तरह मेरा हंगू में भी वो है अटैचमेंट है हंगू से भी, मेरा आबाई गांव है उधर तो वो भी मेरा इलाका है ये भी मेरा इलाका है तो वो तो वक्त दिखाएगा जी, वो ऐसी वो नहीं है तो वो ना अगर मैं कहीं से भी हूं तो दोनों को मैं नहीं छोड़ सकता, दोनों मेरे अपने घर हैं और वो आपस में लोकल्स भी जुड़े हुए हैं दोनों आपस में, ऐसा वो नहीं है। तीसरा जो इन्होंने यूएस वालों ने कॉल की थी, इसमें आपने शुरू में एक बात ऐसे मैंने आपने कहा कि वो फाइनेंस वाली मीटिंग में कल मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या कर रहा था तो वो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया जी कि आपको जिस तरह न्यूज मिली कल प्राइम मिनिस्टर ने दिया कि जो हमारे जो बॉन्ड्स है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें गए, सब्सक्रिप्शन 3.58 बिलियन डॉलर्स की सब्सक्रिप्शन लोगों ने दी जिसमें 700 something million dollars हमने फिर वो रखे बाकी जो है वो तो वो उसमें अब इससे पता लगता है कि कितना ज्यादा लोगों का इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का और इंटरनेशनल मालिकों का हम पर कॉन्फिडेंस है। और ये कहना कि नहीं यार बस हालात ऐसे हो गए वैसे हो गए जी कुछ भी नहीं है, अल्लाह खैर करे, और हमारा जो यही असल चीज है क्योंकि ये इन्वेस्टर की जहां कॉन्फिडेंस जब एक मुल्क पे एक सिस्टम पे चलते हुए सिस्टम पे आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो इकोनॉमिकली वो मुल्क फिर सही उस पॉलिसीज पर है। ठीक है, उसका आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू के जरिए सब लोगों को सम अप कर दिया है और मजीद चीजें भी हैं लेकिन आपने चूंकि एक मीटिंग में जाना है इसलिए आपको हम सॉरी ज्यादा नहीं रोकेंगे, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर फिल्म इंडस्ट्री और बाकी चीजें जो हैं म्यूजियम्स और ये जो बाकी बहुत सारी चीजें बिल्कुल कल्चर में तो इस पर हम मजीद किसी दिन एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जरूर देंगे इंशाल्लाह। और तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, ये थे डॉक्टर जी जमाल साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर कल्चर और बात हो रही थी हमारे साथ उनकी ये जो सिलसिला है इसमें कल्चर के हवाले से जो कल्चर है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसके हवाले से हुकूमत क्या कर रही है और क्या क्या उनकी तरजीहात हैं और क्या हिकमत अमली है उन तरजीहात को हासिल करने के लिए, इसके ऊपर डॉक्टर जी जमाल साहब जो हैं वो आपको बता रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं और साथ साथ मुख्तलिफ कॉलर्स को भी उन्होंने एंटरटेन किया और मुख्तलिफ जो उनके लोकल वहाँ के लोग हैं वो भी उनको कॉल्स करके अपने जो मसाइल हैं वो बता रहे थे। यहाँ पे कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है, हम कॉलर्स के साथ भी बात करते चले जाएंगे और साथ साथ हमारे जो हैं ईमेल्स भी एक दो मैंने
دیکھی تھیں, زیادہ تو نہیں ہم اس میں شامل کر سکیں گے ٹائم کی قلت کی وجہ سے, لیکن کچھ ای میلز جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں محمد عارف رضا خان صاحب ہیں اسلام آباد سے لکھ رہے ہیں کہ دس از ٹو انفارم یو دیٹ فار دا لاسٹ اباؤٹ ون ویک دی ساؤنڈ سسٹم آف پی ٹی وی ورلڈ اینڈ اٹس ریسیپشن از ایکسٹریملی پوئر رائٹ ناؤ. آئی کین سی آن ٹی وی اسکرین اونلی یور ایکشنز اینڈ نو ساؤنڈ ایٹ آل. This is very painful for me. I also lodged a complaint in this regard last night on PTV World phone number such and such, but no action has been taken so far. Isme main ye batata chalun ki ye shikayat hame aur bhi aayi hai. Main khud bhi kai dafa dekh raha hota hu ki PTV World ke kuch reception ke masail chal rahe hote hain. Main PTV ki authority se bhi request karunga aur jo cable operators hain unse bhi request karunga ki dono milkar اگر کہیں پہ اگر کچھ پرابلم ٹیکنیکل پرابلمس ہیں تو ان کو حل کیا جائے, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کوشش کی جانی چاہیے کہ اس کو جلد از جلد حل کیا جائے, کیونکہ خاصے لوگ اس میں تنگ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ بھی جاری ہے, نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کہ کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو, لائن ڈراپ ہوئی ہے اور آپ دوبارہ ٹرائی کیجیے گا, ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ کون ہے. اور ان دا مین ٹائم ایک ای میل ہم دیکھتے ہیں. ساجدہ محی الدین صاحب نے مصطفیٰ آباد لاہور سے لکھا ہے کہ اسحاق کسانہ صاحب, ہاؤ آر یو, آئی ہوپ یو ول بی فائن. ٹوڈے آئی واچ یور پروگرام فار اے شارٹ ٹائم ریگارڈنگ نیشنل انٹرنشپ پروگرام. آئی وانٹ ٹو نو دیٹ آئی ہیو پاسڈ مائی ایم اے اکنامکس ان 1998. مے آئی اپلائی فار دس نیشنل انٹرنشپ پروگرام اینڈ ہاؤ کین آئی اپلائی فار دس پروگرام؟ ایدر وی ہیو ٹو گیٹ اینی فارم اور فرام ویئر کین گیٹ اٹ؟ آئی ایم افریڈ ساجدہ بہن آپ اس میں شامل نہیں ہو سکیں گی, کیونکہ یہ 2006 تک کے لوگوں کا ہے جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں. آپ کو اس میں شاید وہ نہیں انٹرٹین کریں گے, اس لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. مزید تفصیلات جو ہیں وہ آپ نیشنل انٹرنشپ کے جو ڈائریکٹر جنرل اس دن آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ, ان کے پاس جا کے آپ پوچھ سکتی ہیں یا فون کر سکتی ہیں نیشنل انٹرنشپ پروگرام میں اور دیکھ سکتی ہیں کہ کیا وہاں پہ ان کا کرائیٹیرین کیا ہے. ایک اور ای میل ہے مسٹر منیر قریشی صاحب اور مسز منیر قریشی صاحب جدہ سے لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسحاق کسانہ صاحب السلام علیکم, ہوپ فلی یو ول بی ڈوئنگ فائن. الحمد للہ جی ہم فائن. دس از منیر قریشی صاحب, یہ لکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ یو آر پریزنٹنگ دس پروگرام ان اے ویری پروفیشنل وے اینڈ یو آر سرونگ پاکستان اینڈ پاکستانیز ان اے ویری سنسیئر وے. تھینک یو ویری مچ جی, کوشش کرتے رہتے ہیں. کسانہ صاحب وی ہوپ یو ول بی انکلوڈنگ آور ای میل. ہم نے کر دیا جناب آپ کی ای میل. انہوں نے کہا جی کہ وی ہیو کمپلینٹ ریگارڈنگ یور وے آف پروگرام پریزنٹیشن. یہ ان کی کمپلینٹ ہیں کچھ, وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. نمبر ون وہ لکھتے ہیں, یو آلویز شیڈ لائٹس آن ڈیولپمنٹس اور پرابلمس آف بگ سٹیز, ویئر ایز یو نیور ایور اینی بڈی لائک ایم این اے ایم پی اے فرام اسمال ٹاؤنز اور ولیجز. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کو تو بلا لیتے ہیں, چھوٹے جو اسمال ٹاؤنز ہیں ولیجز ہیں ان کے لوگوں کو آپ بلاتے نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ویسے, اس میں بات آپ کی کسی حد تک صحیح بھی ہے, لیکن چونکہ نیوز کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے تو ان کی امپورٹنس بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کس کو بلائیں تاکہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیٹر ہو سکیں. ان دا مین ٹائم ایک کالر سے ذرا بات کرتے ہیں اور پھر میں اس ای میل پہ واپس آ دوں گا, کیونکہ یہ نہ ہو کہ لوز ہو جائیں کالر, لائنز ڈراپ ہو رہی ہیں بار بار. ان دا مین ٹائم دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں وی بلانگ ٹو سٹی کالڈ لالا موسا انفارچونیٹلی اینڈ آور بیڈ لک دیٹ آور ایم این اے بلانگس ٹو اپوزیشن. اور پھر کہتے ہیں کہ مے بیکاز آف دس ریزن ان لالا موسا نو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیز بین لانچڈ فار دا پاسٹ 6 to 7 years. دس از ٹوٹلی انفیئر اینڈ انایکسیپٹیبل. وی ریکویسٹ تھرو یور پروگرام ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر ٹو گیٹ سم ٹائم فرام یور اسکیڈول اینڈ وزٹ اسمال ٹاؤنز لائک لالا موسا. یہ لالا موسا کی بات کر رہے ہیں, اور لالا موسا میں جانتا ہوں, پرسنلی بھی جانتا ہوں. قمر زمان قاہرہ صاحب وہاں کے ایم این اے ہیں اور وہ چونکہ پیپلز پارٹی سے ہیں تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پروجیکٹس نہیں چل رہے ہیں. یہ تو پھر ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں, تو اس طرح کے سلسلے چلتے رہتے ہیں, لیکن کوشش کی جانی چاہیے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کی جو ہم جتنے اچھے انداز سے ڈپکٹ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. ایک کالر سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام جی. جی کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ صاحب میں ریاض بول رہا ہوں, کھاریاں سے. جی کھاریاں سے فرمائیں جی. ریاض صاحب جناب میری ایک گزارش ہے. فرمائیے گا. آپ جناب مجھے جو میں کہنا چاہتا ہوں لال مسجد کے متعلق اور رہزاؤں کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. جی حکومت کو چاہیے کہ وہ بار بار ٹیلیویژن پہ بتائے لوگوں کو کہ جن کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ کام نہ کرے جو مسجد والے ان سے کرا رہے ہیں.
मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये टीवी पर इंफॉर्मेशन दे उन बच्चों को जो जिनके वालदैन वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनके उनको। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अच्छी तजवीज़ है। और वो कह रहे हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बताएं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और पेरेंट्स खुद जो हैं वो फैसला करें कि उनके बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी तजवीज़ भी है। और नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कि कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बहन, कहाँ से जी? मैं जी नजीबा बोल रही लाहौर से। जी नजीबा बहन लाहौर से फरमाइएगा। हाँ जी, मुझे तो सबसे पहले थोड़ी सी तारीफ करनी थी। द मिनिस्टर इज वेरी नाइस मैन एंड ग्रेटफुल। तो मुझे ये मालूम करना था कि रियल डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू आई हमारे कल्चर की, अकॉर्डिंग टू आर रिलीजन। प्रैक्टिकली देयर इज नो पिक्चर ऑफ एनी रिलीजन पिक्चर इन आर कल्चर। तो वो ओरिजिनेटेड जो है हिंदू कल्चर से, वो क्या हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी एक कोशिश से एलिमिनेट नहीं हो सकता कि हम उसकी काउंसलिंग टीवी पे मीडिया पे नहीं कर सकते? क्योंकि प्रैक्टिकली वी आर टोटली फेल टू शो द रियल पिक्चर ऑफ आर रिलीजन। और हमारा आइन भी बेस करता है रिलीजन पे। और अगर आप रियल डेफिनेशन बता दें और लोग उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर दें, या काउंसलिंग से या दिखाने से मीडिया से, तो प्लीज अगर आप बताएंगे कि गवर्नमेंट की और आइन की और कानूनी तौर पे हमारे कल्चर की क्या रियल पिक्चर है, वो इज द रियल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इट इज अ न्यू बॉर्न कंट्री। थैंक यू वेरी मच नजीबा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रियल पिक्चर, यू आर द रियल पिक्चर। Everybody, everyone, every individual in Pakistan is the real picture of Pakistan. आप जो कुछ करेंगे वही हमारा कल्चर होगा। कल्चर इज़ नथिंग बट द पीपल। जब भी आप देखते हैं लोगों को, आप कहीं भी बाहर के ममालिक में भी जाते हैं तो उनके लोगों को देख के आपको अंदाज़ा होता है कि वहाँ का कल्चर क्या है। फिर जो आपने रिलीजन की बात की है, तो रिलीजन के हवाले से भी हमारा जो एक कल्चर के साथ ताल्लुक है, रिलीजन हमारे कल्चर के ऊपर खासा डोमिनेटिंग है। हिंदू कल्चर की भी आपने बात की है, वो भी मैं आपसे अग्री करता हूँ। हिंदू कल्चर हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो जो हमारी रवायात हैं, हमारे जो रसूम हैं, उनमें खासा दर आ चुका है और उसको हमें ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ज़रा अलहदा करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चीज़ इस्लामिक है और क्या चीज़ अन इस्लामिक है। जो इस्लामिक है उसे अडॉप्ट करना चाहिए, जो अन इस्लामिक है उसे छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा, वो कहाँ से जी? मैं जी अकबर बात कर रहा हूँ दुबई से। जी फरमाइएगा दुबई से जी। जी मेरा यही सवाल है जी, हमारे पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान जो चलता है जी, क्योंकि मैं खबरों में देख रहा हूँ कि वो लोग बोले कि 5 साल में इतना कुछ नहीं हो रहा है बिजली, क्योंकि इतना लोड शेडिंग है। हवा लगे कि मैं खुद बुनेर का हूँ, हमारे बिजली में मोबाइल चार्ज नहीं होता है। 21वीं सदी में हमारे मोबाइल चार्ज नहीं होता है, तो ये बिजली आखिर ये कब तक चलेगा और इसका कोई हल हो सकता है? इसका हल बिल्कुल है जी, थैंक यू वेरी मच। उसका हल ये है कि डैम्स बनाए। डैम्स हम लोग बना नहीं रहे हैं। पिछले तरबेला के बाद हमारे यहाँ कोई डैम नहीं बना है और 30-35 साल गुजर चुके हुए हैं और बाकी ममालिक देखें कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग अभी तक आपस की इन फाइटिंग जो है उसी का शिकार हो रहे हैं और कोई मेगा प्रोजेक्ट खासतौर पर बिजली पानी के हवाले से नहीं लगा है और नहीं लगने दिया जा रहा है। अब ये बाय डिज़ाइन हो रहा है, इसमें मुख्तलिफ लोग क्या क्यों कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, ये इसमें मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन द फैक्ट इज़ कि अभी तक हमारे यहाँ कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा। जब तक नहीं लगेगा हम इसी तरह लोड शेडिंग के अजाब से गुजरते रहेंगे और इसी तरह हमारी लड़ाइयाँ होती रहेंगी और मुख्तलिफ हंगामे होते रहेंगे। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि एक कंसेंसस डेवलप हो कि हमने अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ काम करने हैं, तो उसमें हमें कुछ अगर कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो दे देनी चाहिए। मंगला भी जब बना था तो कश्मीर वालों ने कुर्बानी दी थी, तो इसी तरह बाकी भी जो इलाके हैं वो भी अपनी कुर्बानी दे सकते हैं टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इसका हल तो यही नज़र आता है और उसमें आप जैसे लोग जो हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर एक प्रेशर डालें और उन्हें बताएं कि हमारे ये मसाइल हैं, आप तमाम चीज़ों को अलहदा रख के सियासत को पीछे छोड़ के कौमी मफाद को सामने रखें और कौमी मफाद के बारे में सोचें कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। ये हमारी ईमेल्स का भी सिलसिला हमने ख़त्म किया, ज़्यादा ईमेल्स में नहीं शामिल है प्रोग्राम कर सका, उसकी माजरत। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी जो है वो ये है कि आप ईमेल्स करते हैं तो कम अज़ कम हमें पता चलता रहता है कि आपका फीडबैक क्या है, आप क्या सोचते रहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कीप ऑन डूइंग इट और इसमें हम कभी एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो है वो भी हम करेंगे इसके ऊपर और एक जो आपका जो ईमेल का सिलसिला है उसको भी हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट कॉलर से ज़रा बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा, और कहाँ से जी?
मैं अब्दुल मालिक मक्का मुकरवा से बात कर रहा हूँ। अब्दुल मालिक साहब मक्का से फरमाइएगा जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ। जी हेलो। जी फरमाइए जनाब, फरमाइएगा जनाब मालिक साहब फरमाइएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो हमारे बलूचिस्तान का पीटीवी वाला ने जी जी इसका आजकल नंबर तब्दील किया है, तो मेरा मुस्तफा मंदुखेल से यही गुजारिश है कि इसका पुराना नंबर वापस ले आए। किसका पुराना नंबर? ये जो पीटीवी वाला का जो नया नंबर है। अच्छा वो चेंज हो गया? वो जो चेंज हो गया अभी उसमें सिर्फ खास आदमी बात कर रहे हैं जो मखसूस नंबर पे, तो आम खास हमारे आवाम जो है ना उससे बात नहीं कर सकते हैं। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है। तो मेरा यही उसे गुजारिश है कि नंबर तब्दील करे। तो आपसे नंबर ले आए ताकि हमारे बलोच वैसे भी तालीम में बहुत कमजोर हुए हैं। ठीक ठीक। और तालीम में कमजोर है हमारे बाहर वाले इधर जितने हैं ये प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। चले ये बड़ी अच्छी बात की आपने, इस पे भी हम कोशिश करेंगे कि इसको किया जाए। प्रोग्राम हम बड़े शौक से देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह प्रोग्राम फर्स्ट क्लास जा रहा है। बड़ी मेहरबानी आपसे, आपके आपसे गुजारिश भी करूँ एक छोटी सी। जी गुजारिश ये है कि अभी आज आपने थोड़ी देर के बाद जाके बैतुल्ला में जाना है और बैतुल्ला शरीफ में जाके आपने पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करनी है। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप लोगों को पाकिस्तान को खुशहाल रखे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। और यही दुआएं जो हैं खासतौर पर जो सऊदीया में लोग हैं वो जाके जरूर मांगा करें और बताया करें, अल्लाह ताला से कहा करें कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर करें। और ये उम्मीद है आपको नाज़रीन प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा और अब इसको हम वाइंड अप करते हैं और आखिर में दुआ, और दुआ यही कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ मेरा मौला, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है, तू बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सुपुर्दम बतोमाए खेशवा तुदानी हिसाब है तुम बेशवा। मुझे साथ किसानों को मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए, मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।